أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मौलाना सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूरिल क़मर ला युकिरु सनाउ कमा कान हक़ु बाद सुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बंदा परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिलत हज़रत खलील ख़्वाब पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। बाद हम्द व सना व दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म मुहतशम हाज़रीन व सामईन, जैसा कि आप तमाम अहबाब जो तसलसुल के साथ यहाँ खुतबात जुमा समात फरमाने वाले हैं वो जानते हैं, इमाम अली मुक़ाम सैयद शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाले से हम कलाम कर रहे थे। आज इंशाअल्लाह उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वाक़या करबला के हवाला से कुछ मारूज़ात आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करेंगे। वाक़या करबला का पस मंज़र क्या था और ये किस तरह इमाम अली मुक़ाम मदीना तय्यबा से करबला मुअल्ला तक पहुँचे, इस हवाले से तारीख़ की कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है कि 22 रजबुल मुरज्जब 59 हिजरी के अंदर 59 हिजरी के अंदर सहाबी रसूल कातिब वही जनाब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और इन्होंने जो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबले में लश्कर लाया था, उसके बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों ने आपके साथ सुलह फरमा ली थी। लिहाजा अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि जिनसे हज़रत इमाम हसन ने सुलह कर ली है उनसे हम भी सुलह करते हैं, लिहाजा हम उनको सहाबी रसूल मानते हैं। अगरचे मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबले में आने के हवाले से अहल सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि हज़रत अली मुर्तज़ा हक़ पर थे और हज़रत अमीर मुआविया जो हैं ये ख़ता पर थे। ये अहल सुन्नत का ऐलान मौक़िफ़ है। लेकिन चूँकि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे सुलह फरमा ली, वो जो हज़रत अली मुर्तज़ा के अपने बेटे थे, लख्ते जिगर थे, नूर नज़र थे, तो अब जब उन्होंने सुलह कर ली है तो उनसे ज़्यादा तो मौला अली से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब उन्होंने सुलह कर ली है तो फिर अहल सुन्नत ने भी उनके साथ सुलह कर ली है। लिहाजा हम उनको सहाबी रसूल मानते हैं। और हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद उनका बेटा यजीद पलीद लाइन ये तख्त नशीन हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जब तक किसी शख्स के पास इख्तियारात ना होना, उस बंदे की सारी क्वालिटीज़ या सारी खबासतें, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों किस्म की तमाम तर चीज़ें खुल कर सामने नहीं आती। जब उसके पास पूरे इख्तियारात आते हैं फिर पता चलता है कि ये बंदा अंदर से कितना अच्छा है और कितना बुरा है। यजीद के हवाले से पहले भी मशहूर यही था कि वो दीन इस्लाम और शरीयत इस्लामिया की पासदारी नहीं करने वाला, लेकिन जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसने अलल ऐलान वो सारे काम करने शुरू कर दिए। शराब नोशी और मुहर्रमात से निकाह और नमाज़ों का तर्क करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती थीं। लेकिन तख्त नशीन होने के बाद यजीद को चंद लोगों से ख़तरा था। जब कोई बंदा हुक्मरान बनता है तो उसको पता होता है कि मेरा तख्ता कौन पलट सकता है, इस बात का हुक्मरानों को इल्म होता है। अगर उन्होंने ख़ुद साजबाज ना कर दिया हो, 5 साल तुम्हारे 5 मेरे, ऐसा कोई सिलसिला उन्होंने ना जोड़ा हो, तो ऐसा ही होता है कि हुक्मरान को पता होता है कि मेरा तख्ता कौन पलट सकता है, मुझे हुक्मरानी से कौन उतार सकता है। तो यजीद पलीत ने मदीना तय्यबा के अंदर उस वक़्त जो गवर्नर था उसका नाम था वलीद बिन उक़बा, उसको ख़त लिखा और कहा कि मदीना तय्यबा के अंदर 4 बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे ख़िलाफ़ महाज आराई कर सकते हैं, लिहाजा इन चारों से मेरी हुकूमत पर बैत लो, यानी इन चारों को मेरे हक़ में कर लो, बाकी किसी का मुझे ख़तरा नहीं। उनमें से पहला नाम उसने लिखा था हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और दूसरा नाम लिखा था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। तीसरा नाम था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। और चौथा नाम था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। इन 4 अशख़ास जो चारों जलीलुल क़द्र सहाबा की औलादें थीं, इनका यजीद को पता था कि ये कभी भी मेरी हुकूमत को कबूल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लिहाजा इसने कहा कि पहले इन से जाकर बैत ली जाए। अब वलीद ये दिल के अंदर इमाम अली मुकाम की कदर और मोहब्बत रखता था। ये इमाम अली मुकाम की बारगाह में पहुँचा और उसने जाके सारे मामलात हज़रत इमाम अली मुकाम को बताए कि इस तरह यजीद ने हुक्म दिया है आपकी बैत लेने का। तो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब बैत ली जाती है तो वो तन्हाई के अंदर नहीं ली जाती, उसका एक तरीका है। बाकायदा देखें, आज भी बाकायदा वोटिंग का ऐलान होता है, अगरचे उसके अंदर धांधली और बेशुमार चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, लेकिन बाकायदा ऐलान होता है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि छुप छुपा कर किसी से वोट ले लिया जाए। तो इसी तरह इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि अगर तुमने बैत लेनी है तो सारे मदीने को बुलाओ, सबको सामने रखो, फिर उसके बाद इस मामले के हवाले से देखेंगे। आपने फरमाया हमने जो सुन रखा है यजीद के हवाले से, वो दीन से बेजार है, वो शरीयत इस्लामिया का बागी है, वो शराबी है, वो नमाज का तारिक है, इसलिए मैं उसकी बैत करने के लिए तो तैयार नहीं हो सकता। अब देखें, इमाम अली मुकाम ने जो चीज़ें बताई हैं, मालूम हुआ ये चीज़ें जिस हुक्मरान के अंदर हों उस हुक्मरान को वोट देना ये हुसैनी किरदार नहीं हो सकता। जो हुक्मरान नमाज ना पढ़ता हो, जो हुक्मरान शराब की तायद करता हो या शराब पीता हो, या जो बंदा शरीयत इस्लामी की पासदारी ना करता हो, ऐसा हुक्मरान, ऐसा बंदा जो है वो हाकिम बनने का अहल नहीं होता, वो किसी भी ओहदे पर फायज होने का हक़ नहीं रखता। और उसको वोट देकर ऊपर पहुँचाने वाला वो हुसैनी किरदार वाला नहीं, वो यजीदी किरदार वाला होता है। इसलिए हमें ये चीज़ें इमाम अली मुकाम की ज़िंदगी से, सीरत से ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि ना हक़ को कभी भी वोट नहीं दिया जाए किसी भी सूरत में। बहरहाल इमाम अली मुकाम ने इनकार किया तो उसने गवर्नर हाउस के अंदर मरवान के मशवरे के साथ, यह भी उसके साथ मदीना तय्यबा के अंदर यजीद का मानने वाला था और यह अहले बैत से बुग़्ज़ भी रखता था, इसने गवर्नर हाउस के अंदर बुलाने का मशवरा दिया और इसने कहा कि इमाम अली मुकाम को गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया जाए और बुलाने के बाद फिर उनसे पूछा जाए अगर वो इनकार करते हैं तो माज़ अल्लाह इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस के अंदर ही कत्ल कर दिया जाए। इस प्लानिंग के बाद जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया तो आप भी ज़ीरक इंसान थे, साहिब इलम शख्सियत थे और आप जानते थे कि गवर्नर हाउस के अंदर जो मामला चल रहे हैं क्या हो सकता है। लिहाजा आपने जब सहाबा से मशवरा किया और वहाँ जाने लगे तो कुछ सहाबा कराम 20-25 या बाद रवायात में है 30 अफराद आपके साथ गवर्नर हाउस की तरफ चले और आपसे फरमाया कि आप गवर्नर हाउस के अंदर जाएं, आप वलीद बिन उकबा और मरवान से आप मामलात करें, अगर वो आपके साथ कुछ सख्ती बरतें या आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं तो आप बुलंद आवाज़ से एक बात कीजिएगा, हमें बाहर समझ आ जाएगी, हम फौरी तौर पर अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अंदर तशरीफ़ ले गए और बातें शुरू हुई, मरवान ने कहा कि अगर आप बैत नहीं करेंगे तो माज़अल्लाह ये मामला भी हो सकता है। तो खून हैदरी ने फिर जोश मारा, हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया किसके अंदर ये हिम्मत है कि वो हुसैन इब्ने अली के ऊपर हमला करने की जुर्रत करे, हुसैन इब्ने अली को कत्ल करने का जो इरादा करेगा मुझसे पहले वो कब्र के अंदर दाखिल होगा। इससे पहले कि बाहर खड़े नौजवान अंदर दाखिल होते आप गवर्नर हाउस से जल्दी जल्दी में बाहर तशरीफ़ ले आए, चूँकि आपने सारे मामला देख लिए थे, आपको अंदाज़ा हो गया था कि क्या हो सकता है। और आपने सुना है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना तैयबा के अंदर अपने ही घर के अंदर अमीरुल मोमिनीन होते हुए आपने वहाँ पर कत्लो गारत की इजाज़त नहीं दी, हालांकि जो आपके दुश्मन आपको कत्ल करने के लिए बलवाई आए हुए थे, हुर्मत मदीना पामाल न होने पाए, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात की इजाज़त नहीं दी, वरना वो हक़ रखते थे। वो इशारा करते तो सहाबा किराम उन सारे बलवाइयों की गर्दनें जो हैं वो उड़ा के रख देते। तो इमाम अली मुकाम के जहन के अंदर भी यही बात थी। आपने सहाबा किराम को ताबईन को जमा करके इरशाद फरमाया, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मदीना तैयबा के अंदर एक मेंढा होगा जिसकी वजह से हुर्मत मदीना पामाल होगी। आपने फरमाया मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं हिजरत कर जाऊँ और मक्का मुकर्रमा के अंदर हरम शरीफ की हदूद के अंदर चला जाऊँ और हरम शरीफ के अंदर जाकर मैं वहाँ पर रहूँ, क्योंकि वहाँ पर हरम शरीफ के अंदर एक जूं को मारने की भी इजाज़त नहीं, छोटी से छोटी चीज़ को भी मारने की इजाज़त नहीं, तो वहाँ हुर्मत पमाल करने की वजह से कोई वहाँ पे कम से कम कत्लो गारत नहीं करेगा। लिहाजा मैं वहाँ जाने का आपने इरादा किया, घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आप रवाना हुए और रोज़ा रसूल पर खड़े होकर कब्र अनवर पर खड़े होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, नाना जान जिस दिन के लिए आपने मुझे पाला था, जिस मकसद के लिए आपने मेरी बशारतें दी थीं, मेरी शहादत की गवाहियाँ दी थीं, या रसूल अल्लाह नाना जान वो वक्त आ गया है, अब उम्मत पर कड़ा वक्त आ गया है, अब इम्तिहान का वक्त करीब आ चुका है, नाना जान मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस सारे मामले के अंदर सब्र व इस्तकामत का दामन थामने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात वक़ार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोया आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे थे कि नाना जान इसी दिन के लिए पाला था मुझको आपने, नाना इसी दिन के लिए पाला था मुझको आपने, नाना इसी के वास्ते था माँ का मुझको दूध पिलवाना, और इसी के वास्ते जिब्रील भी झूला झुलाते थे, हमेशा में वे जन्नत से वो लाला कर खिलाते थे। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे इजाज़त लेकर मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा कि मैं मदीना खुद छोड़ना चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, खुदा के नाम की खातिर, नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। और मैं जाता हूँ इसलिए कि हैदर की घर की आन बच जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। आपने आक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मारूज़ात पेश की और इजाज़त तलब की। इसी आलम में जब आप मारूज़ात पेश कर रहे थे, आप पर गशी तारी हुई, आपकी सर की आंखें बंद हुईं, दिल की आंखें बेदार हुईं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका के जुर्मट के अंदर हज़रत इमाम हुसैन की ख्वाब के अंदर तशरीफ़ ले आए। बुलंद आवाज़ से कहें ना सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी को बोसा दिया और हज़रत इमाम अली मुकाम को दिलासा दिया और इरशाद फरमाया है, हुसैन तूने सब्र और इस्तकामत का दामन थामना है, तूने यजीदियत के सामने सर नहीं झुकाना। ये सर कटता है तो कट जाए मगर यजीदियत की इताअत न कर कबूल। आपने फरमाया क्यों? इसलिए कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी चौतारा तो जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समुंदर नहीं गिरता। आपने फरमाया कि तुम हालात के सामने झुकने वाले नहीं बल्कि डट कर हुसैनियत के साथ यजीदियत के सामने मुकाबला करने वाले हो। तो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस से सलाम करते हुए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रुखसत होते हैं। फिर इमाम अली मुकाम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से निकल कर हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर पर जन्नतुल बक़ीअ के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ पर आकर अपनी वालदा से आपने मारूज़ात की। फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अपने भाई की कब्र अनवर पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर उनसे भी मारूज़ात की। और उसके बाद आप जब वापस तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैयबा से जब आप रुखसत हुए, तारीख़ की कसीर तादाद में किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि वो रात 27 रजबुल मुरज्जब की रात थी। और आप जानते हैं कि 27 रजबुल मुरज्जब की रात ये वो रात है जिस रात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाकर बेपर्दा अपना दीदार अता फरमाया था। 27 रजबुल मुरज्जब की रात को नाना को मेराज हुई और इसी रात नवासा भी मेराज के लिए रवाना हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नाने की मेराज फर्श से अर्श की तरफ थी और नवासे की मेराज फर्श से फर्श की तरफ थी। नाने ने ज़मीन से अर्श की तरफ मेराज की तो अर्श को अर्शे मुअल्ला बना दिया और नवासे ने मदीने से करबला की तरफ मेराज की तो करबला को करबलाए मुअल्ला बना दिया। तो फिर कहना पड़ेगा ना, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मिलकर पढ़ लीजिए ना, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हज़रात इस वक़ार इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना तैयबा से आप निकलने का इरादा करते हैं तो तमाम मदीना तैयबा के बुज़ुर्ग जिनको ख़बर होती है वो हज़रत इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं। तमाम नौजवान हज़रत शहज़ादा अली अकबर और अली असगर के कदमों में आकर गिर जाते हैं। तमाम ख़वातीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा के कदमों पर अपनी चादरें लाकर डाल देती हैं और तमाम बच्चे हज़रत शहज़ादा अली असगर के कदमों को चूम कर कहते हैं, ए हुसैन तू मदीना छोड़कर क्यों जा रहा है? सारी दुनिया मदीने में आती है तो हुसैन का दीदार करने के लिए आती है। कभी दुनिया इस मदीना तैयबा के अंदर हुसैन के नाने के दीदार के लिए आती थी, अब दुनिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों का सहारा एक ही है। सारी दुनिया के मुसलमान जो हज के लिए आते हैं, जो उम्रा के लिए आते हैं, वो मदीने आते हैं तो सिर्फ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। ए हुसैन, सारा ज़माना तुझे देखने के लिए आ रहा है, तो तू किसे देखने के लिए मदीना छोड़ कर जा रहा है? ए हुसैन, बता तो सही तू कहाँ जा रहा है? तो गोया इमाम अली मुकाम फरमा रहे थे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा व ताबईन, जिस ज़ात का दीदार करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे, जिस ज़ात का दीदार करने के लिए आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ लेकर गए थे, उसी ज़ात का खंजर तले दीदार करने के लिए मैं करबला जा रहा हूँ। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो इस अंदाज़ में मदीना तैयबा से निकलते हैं। मदीना तैयबा के हर शख्स की आंखें पुरनम हैं, हर शख्स की आंखों के अंदर आंसू हैं। ये वो शहर मदीना तैयबा जिससे अगर जानवर भी जुदा हों तो उन पर भी रिक्कत तारी हो जाती है। तो हज़रत इमाम हुसैन जिनका बचपन वहाँ पे गुजरा, जिनके नाना जान की कब्र अनवर वहाँ पर, जिनकी वालदा मोहतरमा की कब्र अनवर वहाँ पर, भाई और तमाम आइज़ा करबा की कब्रें वहीं पर, वो मदीना तैयबा को जब छोड़ कर निकले होंगे तो उनकी हालत क्या हुई होगी। हज़रात वक़ार हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र हम कमा हक़ हो कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ़ उनकी याद को ताज़ा करने के लिए कुछ बातें हर साल जो है वो दोहरा दिया करते हैं, कुछ उनकी याद में कुछ कलिमात जो है वो मिंबर रसूल पर बैठकर अर्ज़ कर देते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना लेते हैं। हक़ तो अदा नहीं हो सकता, इसलिए हम ये जिक्र करते हैं ताकि क़यामत तक हमें ये याद रहे, उम्मत को ये याद रहे कि इमाम अली मुकाम करबला मुअल्ला के अंदर किस शान के अंदर निकले थे, किस शान के साथ गए थे और क्यों गए थे। और उम्मत को, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम अली मुकाम का ज़माना याद रहना चाहिए। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, जिस जिसको याद है मिलकर पढ़ लीजिए। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। मिलकर छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, कुरान से है निस्बत तेरी और नातिक़े कुरान, दो कुरान से है निस्बत तेरी और नातिक़े कुरान, तो नो के निज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है, नो के निज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। हज़रात वक़ार हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये करबला मुअल्ला का सफ़र बितफ़सील मुकम्मल तौर पर अर्ज़ करना ये नहायत ही दुश्वार और मुश्किल सफ़र है, लेकिन कुछ चीदा चीदा बातें आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये हाज़िरी इमाम शुहदा इमाम अली मुकाम सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए और हमें सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करते हुए उनकी सीरत तैयबा को अपनाने की तौफीक और रफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर हुदावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।